दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार मनोज राठौड़ पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सन 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन की शूटिंग लोकेशन, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए शूटिंग लोकेशन पर। पहला सीन दोस्तों, फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें एक लड़का और लड़की दौड़ते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन SL स्टूडियो मुंबई में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें लड़का लड़की दौड़कर एक घर के अंदर चले जाते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन SL स्टूडियो के इंडोर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें दो गुंडे आपस में बात कर रहे हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन पटनी टॉप कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें बहुत सारे गांव के लोग बैठे रहते हैं और आपस में बातचीत करते रहते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन SL स्टूडियो मुंबई में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें संजीव कुमार और सुनील दत्त आपस में बात कर रहे हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन पटनी टॉप जम्मू कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें दो हीरोइन आपस में बात कर रही हैं और इनके पीछे एक नदी बह रही है। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन पुंछ रिवर जम्मू कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें जितेंद्र दौड़ के आते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन पटनी टॉप कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें जितेंद्र और नीतू सिंह एक पेड़ के ऊपर खड़े रहते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन पैल गांव जम्मू कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें सुनील दत्त रीना रॉय को हाथ लगाते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा आपस में फाइट करते हैं और आसपास काफी लोग उनको फाइट को देखते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन दूध पत्री कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें संजीव कुमार बैठे रहते हैं और मदनपुरी कुछ बोलते हैं। बात करें सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन SL स्टूडियो मुंबई में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें रेखा भगवान शिव से कुछ मांगती है। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन पैल गांव कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें सुनील दत्त और कुछ लोगों के साथ खड़े रहते हैं और कुछ बताते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की, तो ये सीन
पुंछ रिवर कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें विनोद मेहरा पागल बने रहते हैं और एक दुल्हन को लेके जाते हैं कुछ लोग और उनकी तरफ देखकर हंसते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की तो ये सीन सेनानी कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें दुल्हन को लेकर कुछ लोग जाते हैं और सुनील दत्त उनको रोकते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की तो ये सीन सेनानी कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा आपस में बात करते हैं और उनके पास एक नदी बहती है। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की तो ये सीन पहलगांव कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें सुनील दत्त संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा किसी महल में खड़े रहते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा कांस को तोड़ देते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की तो यह सीन कथ हारिसिस स्टूडियो पोवाई मुंबई में सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें सुनील दत्त शत्रुघ्न सिन्हा का पीछा करते हैं और एक नदी को पार करते हैं। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की तो ये सीन पुंछ रिवर जम्मू कश्मीर में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को उठाते हैं और सामने रेखा उनको रोकने की कोशिश करती है। बात करें सीन की शूटिंग लोकेशन की तो ये सीन फिल्मिस्तान स्टूडियो मुंबई में इस सीन को शूट किया गया था। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट सीन शूटिंग लोकेशन की। दोस्तों फिल्म में आपने ये सीन देखा होगा जिसमें शैतान की गुफा बताई गई है और शैतान गुफा के अंदर रहता है। बात करें इस सीन की शूटिंग लोकेशन की तो ये सीन फिल्मिस्तान स्टूडियो में इस सीन को शूट किया गया था और इस सीन को शूट करने के लिए अलग से गुफा बनाई गई थी। शैतान जिससे मारता है वो थर्मोकोल से बनाया गया था और उसके ऊपर पेंट कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी सन 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन की फिल्म शूटिंग लोकेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल स्टार मंदू राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस टाइप की और भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।